गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हो, हम दोनों के लिंक इंस्टाग्राम के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं मुबशर। आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने लगी है, तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है, इंडिया वियतनाम साइन हाइड्रोग्राफी डील टू एक्सप्लोर मिनरल्स, मतलब मिनरल्स की खोज लगाने के लिए इंडिया और वियतनाम ने कोई मेरे ख्याल में डील साइन की है, जो कि बहुत इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। क्यों जा मतलब अभी हमें सुबह से इसके इतने लिंक आए, कहते हैं कि इसको लाजमी आप कवर करें। बिल्कुल, तो देखते हैं यार मतलब किस टाइप की डील होने लगी और किस टाइप के मिनरल्स जो है वो ये मतलब ढूंढेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल भारत ने एक बहुत ही बड़ी डील को अंजाम दिया है और इस डील के होने के बाद भारत ने सीधे सीधे तौर पर चीन के जो सबसे बड़ा खजाना माना जाता है, जिसके लिए चीन अपने पड़ोसियों से लड़ता है, उस पर हाथ मार दिया है। और भारत न सिर्फ ये खजाना चीन से लेगा बल्कि चीन की नाक में दम भी करने वाला है, जो चीन आज तक भारत के साथ करता आया था। कभी भारतीय जो समुद्र सीमा है उसमें घुसपैठ कर दी, कभी अच्छा? जो भारत के आस पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका या फिर पाकिस्तान, वहां पर नेवल बेस बना लिए। अब वो भारत चीन के साथ करने वाला है, इसकी शुरुआत भारत ने कल कर भी दी है। क्या है सब कुछ डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से खजाने की हम बात कर रहे हैं और भारत की स्ट्रेटजी है क्या। तो मेरे साथ आप इस दिन तक बने रहेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर, बताया जाता है कि इस समय धरती पर इससे ज्यादा मिनरलिस्ट जगह नहीं है। मिनरलिस्ट मतलब कि यहाँ पर पाए जाते हैं गैस और तेल के अकूत भंडार, और गैस और तेल मतलब कि खरा पैसा। जी हाँ, अब तक जो एस्टिमेट लगाए गए हैं, कोई बताया जाता है कि इस क्षेत्र में करीबन 6 से लेकर 8 ट्रिलियन डॉलर तक के गैस और तेल के भंडार हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, भारत की टोटल इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है और इस क्षेत्र में जो गैस और ऑयल के भंडार हैं वो बताया जाता है कि 5 से 8 ट्रिलियन के बीच है। हालांकि बताया जाता है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है दक्षिण चीन का जो अनएक्सप्लोर है, और अगर उसे भी एक्सप्लोर कर लिया जाए तो ये 10 ट्रिलियन के भी पार निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इसको लेकर डिस्प्यूट भी इसी बात पर है, चीन इसी बात पर तो लड़ता है वियतनाम से, फिलीपींस से, अमेरिका से कि इस क्षेत्र पर वो कब्जा कर ले। वहीं अमेरिका चाहता है कि चीन को पीछे हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि अगर चीन का कब्जा हो गया इस क्षेत्र पर तो फिर चीन अमेरिका से भी कहीं ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और इसी को लेकर भारत ने भी इस पर नजर गाड़ा है। दरअसल इसी क्षेत्र में एक और चीन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दावेदार है इस क्षेत्र का, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है वियतनाम। और वियतनाम के साथ हमने कल एक बड़ी डील की है भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उधर से वियतनाम के रक्षा मंत्री ने ये डील करी है, और ये डील है हाइड्रोग्राफी को लेकर। दरअसल दोनों देश मिलकर इस दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को अब एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, यहाँ पर खोज करेंगे मिनरल की, जैसे कि गैस या तेल की, और जो भी मतलब कि यहाँ पर मिलेगा उसे देश आपस में दोनों मिलकर बांट लेंगे। ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है जो वियतनाम के हिस्से में आता है दक्षिण चीन सागर का, और बताया जाता है कि जो वियतनाम वाला क्षेत्र है वहां पर 1 से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर के गैस और तेल के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि चीन वियतनाम के इन क्षेत्रों पर दावा करता आया है और अभी भी दावा करता है, और इसी को लेकर हाल ही में एक वियतनाम की जो फिशिंग बोट थी उसे भी मारकर गिरा दिया था चीनी जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने। तो वो जो वियतनाम है वो परेशान रहता है, उन्होंने जानबूझकर भारत से ये डील करी है, क्योंकि अगर भारतीय कंपनियां दक्षिण चीन सागर में हाइड्रोग्राफी करती हैं या फिर वहां पर तेल या जो गैस है उसे एक्सट्रैक्ट करती है, तो उन पर हमला करना या फिर उन्हें खदेड़ना दक्षिण चीन सागर से नामुमकिन होगा, क्योंकि फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंडियन नेवी वहां पर होगी, और इंडियन नेवी पर हमला यानी कि सीधा सीधा परमाणु युद्ध, क्योंकि इंडिया है एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री। तो इसलिए वियतनाम ने बहुत सोच समझकर डील करी है और भारत ने भी सोच समझकर डील करी, क्योंकि आने वाले समय में जो मान लीजिए अगर हम तेल का कंजप्शन ही कम कर देते हैं, लेकिन गैस का कंजप्शन तो हमें करना ही होगा, क्योंकि लोगों के घरों में घरेलू गैस तो जाती है। तो ऐसे में अगर हम वियतनाम के हिस्से वाले दक्षिण चीन सागर से ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। जैसे कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है
वो काफी हद तक घट कर रह जाएगा, बहुत ही कम। और उसके अलावा हमारे पास जो एडिशनल गैस होगी उसे हम बेच भी सकेंगे दूसरे देशों को, ऑयल को बेच सकेंगे दूसरे देशों को, यानी कि बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है भारत के लिए। और भारत ने हाथ बहुत ही लंबा मारा है, साथ ही इसी के जरिए सागर में, ताकि चीन को उसी के घर में मात दी जा सके, उसे अपने घर में यानी कि हिंद महासागर में घुसने से पहले ही चीन के अंदर ही घेर लिया जा सके। तो ये भारत की टोटल स्ट्रेटजी थी। और इस हाइड्रो जो डील को लेकर बहुत ही लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार इसे साइन कर लिया गया है। आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा सभी लोगों के साथ और चैनल ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, वियतनाम मतलब एक मतलब इतना पावरफुल कंट्री नहीं है, बिल्कुल हाँ। तो चाइना उस पर मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब उछलता है, मतलब पावरफुल है वियतनाम, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि मतलब चाइना से टक्कर ले सके। उसने अपनी 10-12 शिपें भेज दी तो वियतनाम के लिए काफी है। और दूसरी बात के उसने फिर ऐसा कंट्री चुना, मतलब इंडिया के साथ 50-50 जाहिर बात है करेगा। अब इंडिया सिक्योरिटी देगा, साथ ढूंढेगा, तो जाहिर बात है 50-50 तो होना है। अब जाहिर बात है जिस तरह सीपैक का 40-60 हाँ, बिल्कुल तो इसी तरह शायद 40-60 हो, मतलब कुछ 50-50 ये परसेंटेज लाजमी होनी है, बिल्कुल होगी इंडिया के लिए। तो और इंडिया दूसरा है टक्कर का है चाइना का, तो मतलब जिस तरह की वो उसकी शिपे उड़ा जाता है चाइना आके वियतनाम जो करता है, मतलब उसने अपनी दादागिरी बनाई हुई है। और उसकी चल वो यार अपनी जगह पे वो खोज कर रहा है वियतनाम, लेकिन उधर भी नहीं करने देगा। Exactly. तो ये गलत बात है। अगर ये काम चाइना ने इंडिया के साथ किया हाँ। तो इंडिया के साथ फिर जो हो गई जंग शुरू तो इंडिया ने बात है ऑलरेडी मुंह तोड़ दिया। अभी अब इंडिया को काम कर रहा है जिस तरह चाइना मतलब करता है, तो वो अभी इंडिया भी काम कर रहा है, जैसी करनी वैसे भरनी वाला सिस्टम। और एग्जैक्टली, और इन्होंने कभी अगर चाइना वाले ने भूल के भी इंडिया पे अगर हमला कर दिया ना, तो समझो कि चाइना तो गया भाई। सही बात। और यार मतलब जाहिर बात है फिर तो सारे साथ हो जाएंगे और चाइना की भगा देंगे। वही यार, चाइना को चाहिए कि मतलब नहीं करना चाहिए इसको। इसमें अगर किया ना तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये वाला चाइना कब्जा करे, तो अमेरिका भी तो अपनी आड़ में बैठा उधर के, मैं भी उसको भी तो अंदर से पैसा निकाल लेना। तो ये फुल सपोर्ट करेगा इंडिया को। और ये मोदी का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने ये डील साइन कर दी है कल, क्योंकि जो हमारे थिंकिंग है ना, हमें लग रहा है मतलब काफी बड़ी और हो जाए $10 trillion यार, वो जगह जगह इतने का वो कह रहे हैं कि मतलब वो है निकलेगा जो भी सौदा है, वो मिनरल्स हैं जो मतलब सोदा में बोल रहा हूँ, वो गैस वगैरह। अब देख मिडल ईस्ट को देख कितना पैसा कमा रहा है, यही बात सिर्फ तेल से। अब 10 trillion वो कह रहे हैं जो वो निकलेगा, ये बायर बैकिंग ये ऊपर भी बढ़ सकती है। हाँ जहर बात है, हो सकता है। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में दो। मतलब ये एक अच्छा अगर ये हो जाएगा ना मोशर, इनको सुपर पावर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता इंडिया। जाहिर बात है इकोनॉमी जो इस तरह बूस्ट होगी तो होगा, जाहिर बात होगा। और वैसे भी ऑलरेडी इंडिया ने मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि मतलब आने वाले वर्ल्ड की सुपर पावर इंडिया ही है। तो आप बताएं यार आप क्या इसके बारे में कहते हैं। पर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो बाय।